आज की सभा में महात्म्य दर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा पूज्य ओपी अग्रवाल जी से। आज की सभा विशिष्ट है क्योंकि आज हम पूज्य डॉली जी यानी हमारी प्यारी नानी का 60वां जन्मदिन हीरक जयंती मना रहे हैं।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अतिशय मंगलकारी दिन आज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हरिप्रसाद स्वामी जी की तिथि के हिसाब से उनका प्राकट्य दिन है वैशाख सुदी दशमी। हम तो खूब खूब भाग्यशाली हैं कि ऐसे कहीं ना कहीं कोई भी, मैं देखता हूँ कि ऐसे प्रसंगों में हमारे जो हमारा जन्म हुआ, ये सब तो एक नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे अभी जब ऐसे सत्संग से जुड़ने के बाद उनका कहीं ना कहीं लिंक ऐसे प्रकट स्वरूपों के साथ में कहीं ना कहीं कोई भी तरीके से लिंक हो जाता है, ये मैं देख रहा हूँ। अभी एक अभी बात करते करते ही मुझे ऐसा ये चीज़ दिमाग में आई कि 23 मई को दीदी का, गुरुजी ने हमें दीदी को एडॉप्ट करने के लिए एक विधि की थी, तो वो एडॉप्शन डे, तो 23 मई को उस दिन 2001 में, 23 मई 2001 को कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रसंग नहीं था, एकदम जैसे कि ना ब्लैंक डेट जैसी थी, यानी तो कोई भी ऐसी कोई ये करना हो तो उसके लिए एक कोई स्वरूपों की कोई तिथि पे कोई अच्छा जो उनका प्राकट्य दिन है, या जैसे 3 फरवरी वगैरह वगैरह, तो वो उस पे करते हैं, लेकिन 23 मई डिसाइड हुई और उसमें कुछ नहीं था, कोई भी ऐसा कोई प्रसंग नहीं था। उसके बाद मेरे ख्याल में 1-2 साल के बाद ही ये डिक्लेयर हुआ कि स्वामी जी का बर्थडे 23 मई को ही मनाया जाएगा। अब ऐसे ही योगी जी महाराज का भी 23 मई को ही डेट निकल के आई, तो 23 मई को अब इतने काम होने लगे, 23 मई को इतने प्रसंग बन गए। मैं एक डायरी लिखता हूँ जिसमें सब प्रसंग नोट करता रहता हूँ कि कब किसका, भक्तों का और सबका। तो उस 23 मई वाला जो पहले एक ही डेट, एक बिल्कुल ब्लैंक था, उसमें एडॉप्शन डे आया और उसके बाद लाइन लग करके एक के बाद एक प्रसंग बनते जा रहे हैं उसमें, और अभी वो डेट पे बहुत सारे हमारे भक्तों के प्रसंग भी होते हैं। तो खूब खूब धन्यवाद। ये जो अनुष्ठान शिविर हो रहा है कल, इसकी महिमा और महात्म के बारे में बातें हुई, गुरुजी ने समझाया, मुझे भी कुछ थोड़े दिन पहले मालूम पड़ा था कि ये अभी वचनामृत की 2 शताब्दी चल रही है। तो वशी भाई से ऐसी कुछ बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये हम लोग इसकी पारायण कर रहे हैं, और ये तो उसमें उनके एक व्हाट्सएप ग्रुप में वो उसके बारे में बात होती रहती थी, और फिर उसमें ऐसा मालूम पड़ा अपडेट्स में कि वो दिनकर भाई ने वो एक बार पूरा वचनामृत कंप्लीट कर लिया है और अभी दोबारा शुरू कर दिया है। फिर मैसेज आया कि दूसरी बार दूसरा भी उनका कंप्लीट हो गया है। तो वचनामृत की ये बातें काफ़ी दिन से इस तरह चल रही है। तो मैंने भी, मैं सुबह पूजा में कुछ पढ़ता हूँ, तो बीच में मैं ये पढ़ रहा था अपना अभी नई बुक जो निकली थी ना, पंचम पुरुषार्थ, और तो उसमें से उसके बाद फिर मैंने वचनामृत शुरू किया। तो अभी नंबर्स वगैरह तो मुझे नहीं उतना ख्याल रहते हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते उस मैंने जैसे ही पहले दिन जब खोला और शुरू किया, तो मैंने सोचा कि एक ऐसे शुरू से नहीं पढ़ के ऐसे ही पढ़ता हूँ एक एक करके, कभी भी जो पेज खुलेगा वो देख के, तो वो ऐसे वो शुरू किया तो वो पेज खुला, उसमें सब जो जनरली वचनामृत के अंदर प्रश्न होते हैं, भक्त लोग प्रश्न करते हैं और महाराज उनका उत्तर देते हैं फिर, तो उसमें ऐसा प्रश्न आ रहा था कि कैसे भक्त जो है क्या, कैसे हर समय आनंद में रहे, आठों पहर आनंद में रहे, और वो ऐसे आश्चर्यचकित जैसी सिचुएशन में और हर समय आठों पहर आनंद में रहे, ऐसा कैसे स्थिति हो सकती है। तो महाराज ने उत्तर दिया, तब उन्होंने इसमें समझाया कि ऐसी स्थिति के लिए हमें
जो भक्त और ये भगवान और संत को जो भक्त ऐसा मानते हैं कि वो यहाँ प्रकट हैं भगवान और संत, और जब वो प्रकट होते हैं तो वो अपने बैकुंठ गोलोक वगैरह जो उनके धाम हैं वो और अक्षरधाम वो लेकर के ही साथ में यहाँ आते हैं, तो वो यहाँ साथ में लेके बैठे हुए हैं, तो जहाँ वो बैठे हैं वहाँ वो धाम है ऐसा माने, और उस को मान करके उनके साथ हमारे को रहने को मिला है, ऐसे संत के साथ हमें रहने को मिला है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। रहने को मिला है का मतलब जो मुझे समझ आया कि मतलब उनके साथ ऐसा हमारा संबंध हुआ है, चाहे भले ही दूर भी रह रहे हों, तो वो जो सब ऐसा रहने को जो मिला है, ऐसा जो संबंध मिला है, वो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसे सौभाग्यशाली हम हैं वैसा मान करके यदि हम ऐसे रहते हैं तो हम हर समय आश्चर्यचकित स्थिति में और हर समय आठों पैर आनंद में रह सकते हैं, रहेंगे, ऐसा उसमें बताया। तो मैं इसको फिर अपने से लिंक बिठा के सोच रहा था कि कैसे ऐसा है, तो हकीकत में तो अभी इन दिनों में हम ये दीपक प्रियंका कुछ डॉली के ये 60th बर्थडे के लिए एक फोटोग्राफ्स का कलेक्शन और एल्बम जैसा बना रहे थे, तो मेरे को भी मौका मिला देखने करने का, तो वो मैंने एक ऐसा सूचीबद्ध किया कि भाई शुरू से लेकर के इनके और अभी तक की इवेंट्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखूं, तो वो लिखते लिखते जैसे ही 94 आया तो 94 के बाद हमारे जीवन में 93 एंड में 30 दिसंबर 1993 तो पूरा का पूरा एक नया मोड़ मिला, और उस नए मोड़ के बाद आज 94 से आज तक अभी मेरे ख्याल में अभी 25 साल पूरे हुए, तो उसके अंदर पूरा जीवन बदल गया। मैं थोड़े से मतलब मिक्स तरीके में बात कर रहा हूँ, तो मैं उसमें देख रहा था कि जो 94 से तक या अदरवाइज भी जैसे डॉली है तो उसको सारे उसको मटेरियलिस्टिक और वर्ल्डली और जिन्हें कहते हैं देह के संबंध वाले वो सारे रिश्ते मिले हैं, मतलब कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो कि छूटा हो, जैसे मतलब भाई बहन ननद दौरानी जेठानी सास ससुर एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो रिलेशन होते हैं मटेरियलिस्टिक और अपने जो वर्ल्डली और देह के संबंध वाले वो सारे रिश्ते हैं, वो खुद भी उसको मिले और उसको वो खुद भी यही वो रिश्तों को वो रिश्ते में हो गई जाए, तो मतलब वो पहले उनको सास मिली तो अब वो खुद भी सास है लाइकवाइज। लेकिन इन सब के बाद आज अल्टीमेटली जो रिश्ता मिला 2001 में, पहले तो 1994 में गुरुजी के साथ जो संबंध मिला, जो उनके साथ हमें रहने को मिला, उसकी वजह से आज 2001 में दीदी का संबंध मिला एक डिवाइन डॉटर के रूप में, तो ये सारी घटनाएं जो आश्चर्यजनक और जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, ऐसी घटना मतलब वो आई डोंट नो वेदर इट इज़ अ राइट वर्ड, पर जो ऐसी जो प्रसंग बने उसका जो आनंद है वो मैं ऐसे खाली कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं वो अंदर से अनुभव करता हूँ, फील करता हूँ कि वो जो आनंद है वो आठों पैर उस आनंद में तो मैं नहीं रहता हूँगा, लेकिन उसका आनंद बहुत है। तो खूब खूब धन्यवाद है गुरुजी को, काका जी महाराज को, जिन्होंने ऐसा संबंध हमको दिया। और इसमें इसलिए मैं कहता हूँ कि डॉली का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इन दिस सेंस कि वो डॉली की मुझे डॉली मिली तो डॉली की वजह से ही ये संबंध बना, निमित्त बनी वो, और वो डॉली भी निमित्त कैसे बनी, मतलब बिकॉज विके अग्रवाल जी जो उनके ब्रदर हैं उन्होंने वो गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे, वो सत्संग करते थे यहाँ, और उस कड़ी में उन्होंने हमें ये सत्संग में गुरुजी के साथ जोड़ा। तो इसके लिए
एक खास मैं उस चीज़ को एक इम्पोर्टेंस देता हूँ कि ये रिलेशन पाने के लिए हो सकता है कि मुझे अदरवाइज शायद ये संबंध नहीं मिलता, तो ये संबंध मुझे ये तरीके से मिला। तो खूब खूब धन्यवाद है वीके अग्रवाल जी को, वो अक्षरधाम में हैं लेकिन उनको हम कभी भूल नहीं सकते इस सेंस में पर्टिकुलरली। दूसरा, कल बात हो रही थी, गुरुजी ही शायद बात कर रहे थे कि महाराज बहुत ज़्यादा, वो क्या वर्ड था बोला था, अतिशय उदार भक्तों के लिए अतिशय उदार थे। कोई भी कैसी भी चीज़ हो, कुछ हो, तुरंत दे देना। वही चीज़ हमने तो उस समय का तो याद नहीं, शायद रहे होंगे उस समय उनके साथ में भी, पर आज क्योंकि ये धरती पर आए और वो धाम लेके आते हैं अपना, तो धाम के लेके बैठे हैं इस, तो वही इस चीज़ की पुनरावृत्ति हो रही है, वही चीज़ यहाँ है। तो उसमें हूबहू मैंने तो खूब अनुभव किया है और आप सबने भी किया होगा, किया ही है, कि गुरुजी भी उतने उसी तरीके से अतिशय उदारता हम सब पे खूब बरसाते हैं। मैंने मतलब ऐसे हम अपनी आँखों के सामने रोज देखते हैं कि हमें एक बार उसमें हमें फीलिंग होती है, हमें डर लगता है कि ये कैसे दे रहे हैं, कि तो वो उनको एक सेकंड नहीं लगती, वो एक जैसे कहते हैं ना, वो फट फट से वो वाला पूरा गुरुजी के साथ अतिशय उदारता पूरी दिखाई देती है। कैसी भी कोई चीज़ आई हो, शुरू शुरू में 45,000 50,000 60,000 1,00,000 के मोबाइल आते थे, कोई वक्त दे जाता था, वो पेटी पैक ही वो खुला है उसमें से इतना खाली डाटा एक्सचेंज हुआ है और उसके बाद किसी ने कहा मोबाइल बहुत अच्छा है, इतना कहा है उसने और इतने में तो उसको पैक होकर के उसके पास चला गया। तो ये तो मतलब उदारता वर्ल्डली चीज़ों की हो गई, पर अदरवाइज भी उन्होंने ये इतनी उदारता करी तभी हमको ऐसे संबंध में ले लिया, और उस तरीके से आज उतनी ही उदारता से हमें हर चीज़ से सुखिया सुखिया कर रखा है। कैसे सब जो यहाँ पर आप देखो, मैं कल से थोड़ा सा दो दिन से ये देख देख करके एक असमंजस की स्थिति में कहें या क्या, कि यहाँ पर जो गुरुजी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जो सेवा में हैं, जो टोटली डेडिकेटेड हैं, उनको देखो आप, उनका दर्शन करो तो आंखें नम हुए बिना नहीं रह सकती। पर्टिकुलरली मैं पुनीत के लिए बोलना चाहता हूँ, पुनीत मल्होत्रा के लिए, कि वो एक सेकंड भी कैसी भी परिस्थिति में उसके मुंह से ना नहीं निकलती। तो वो एल्बम मनमाने में वो दीपक के साथ में ही कर रहा है जो तो मैं आज सुबह महापूजा में बैठा था तो मैं उसको सबको तिलक किया, उसको भी मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं कोई आज उसको मौका मिल रहा है कि मैं उसको ऐसे चांदला करूं। ठीक है, पुनीत को तो वो मेरे मन में ये आ रहा था विचार, मैं अपने अंदर की सच्चाई की बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं ये जैसे कि कहते ना दिखावा, कि भाई मैं इसका ये कर, मैंने जोड़ा जोर से ऐसे उंगली दबाई रखी, तो मैंने जैसे कि मैं मतलब उसको एक वो कर रहा हूँ, हाँ तो वो
लेकिन उसके मुंह से सहज ही निकला कि बिना उसके बिना अदरवाइज भी एल्बम टाइम पे मिल जाएगी। मतलब हमारी ये मेरी ये चोरी थी, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, मैंने ऐसे सोच के ही किया। वो कितनी गुरुजी ने क्या किस तरीके के अपना जो संबंध दिया है वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हम दिन भर गुरुजी के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, सब तरह की, मतलब इतनी छूट कहीं कोई दुनिया में हो नहीं सकती। वो उस माहौल में, कैसा भी माहौल, कैसी भी परिस्थिति, कुछ भी हो, तो वो जो आठों पहर आनंद की वाली जो बात है वो यहाँ गुरुजी के पास हर समय दिखाई देती है। बहुत सारी बातें हैं, समय आज अभी इसका ये कथा का है तो ऐसे ही कल भी जैसे समीर ने बताया दीदी के बारे में, तो वो ये चीज़ें कहीं, मतलब कितना भी लिख लेंगे हम, कितना भी कुछ भी करेंगे, पर जो अनुभव होते हैं, जो जो हम खुद महसूस करते हैं उस चीज़ को, उसको वर्णन करना बहुत मुश्किल है। उनके पास कैसी भी परिस्थिति में आनंद ही आनंद देने का, दूसरों को देने का, उदारता का मतलब डेफिनेशन, मतलब अतिशय उदारता का, मैं तो कल फिल्म में नोट करा अतिशय उदारता, वो यहाँ हर सेकंड में दिखाई देती है। दीदी के पास बैठ जाओ तो उनका, उनको ये दिखता है कि कैसे इनको ये इनको हम तो ये सोचते ही नहीं कि हम इनको कैसे राजी कर लें, लेकिन वो ये सोचते हैं कि इनको कैसे खुश कर दें, राजी कर लें। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जहाँ हम बैठे हैं, जो ये तो वचनामृत में आप एक चीज़ नोट करना, वचनामृत के अंदर जो लिखा गया है वो, ये जो प्रदर्शन भी किया है तो उसमें के महाराज वैसे बैठे हुए थे, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए थे, ये पाग के अंदर वो एक लगाई हुई थी फूलों की, कोई नाम, उसके नाम वाम सब रहते हैं कि ये लगाई हुई थी, हाँ, और उसके अंदर ऐसे इधर की उसकी तरफ देख करके ऐसे बात किए बोले। तो ये सारी चीज़ें वो, ये एक प्रमाण है, ये एविडेंस है कि वो ऐसी घटनाएं हुई, और ये मतलब ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविकता का, उस समय फोटोग्राफ्स नहीं थे तो इसके लिए वो इस वर्णन से क्लियर दिखता है कि वो ऐसी घटना, और ये महाराज ने ऐसा वचनामृत लिखवाया, और उसकी बातें तो मतलब अभी हम आप लोग और हम सब लोग उसका जो पाठ एक महीना चलेगा पारायण, कमाल की बातें हैं एक, और इतनी सुंदर और इतनी आसान तरीके से समझाई हुई हैं कि वो, लेकिन क्या है कि हम अपने चक्करों में और उन सब में वो भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं, या उन पे अमल तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एटलीस्ट उनका पठन पाठन और सुनेंगे तो अभी हमें बहुत उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि गुरुजी मेरे, मतलब हमारे ये तो नंबर्स हैं, लेकिन आज वो 60th बर्थडे यहाँ मनाना और अदरवाइज संसार में मनाना, वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो खूब खूब धन्यवाद है काका जी को और गुरु जी और दीदी को कि आपने हमें ये सौभाग्य साली बनाया, सौभाग्य दिया कि अपना संबंध दे करके अपने पास रखा, कैसी भी हमारी पोजीशन रही होगी, पात्रता भी नहीं होगी डेफिनेटली, तो भी वो एक्सेप्ट करके, और एक इतना आज मैं देखता हूँ कि मुझे बहुत खुशी होती है कि पूरा का पूरा जो एक देह के संबंधियों वाला, पर खैर उसमें से भी निकलना है अभी,
लेकिन जो अदरवाइज आज जो नई बहनें आई हैं अक्षय ज्योति में और ये तो इतना मतलब दे आर सो लकी, इनका इनके तो मैं बोलता हूँ कि इनका कोई क्या इनके भाग्य रहे होंगे जो ऐसा उनको ये मिला है कि वो यहाँ रह रहे हैं आज। हम भले ही हमें मतलब हमें ये मौका ही नहीं मिला या हम नहीं आ पाए या जो भी हुआ, बट जो यहाँ रह रहे हैं तो उसका ऐसे संबंध का आनंद और उससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता। तो खूब सभी के चरणों में प्रार्थना के ऐसा गुरुजी आप हमारे पर ऐसे संबंध को आप तो वैसे छोड़ने वाले ही नहीं हैं लेकिन हम भी बिल्कुल नहीं छिटक सकें और आपके संबंध में बने रहें, ऐसी प्रार्थना सहजानंद स्वामी महाराज की जय। आज की सभा में अब वचनामृत का पठन प्रारंभ करने से पहले कथाकार मंच पर अपने पीठ पर विराजमान पूज्य आनंद का पूजन करने के लिए प्रार्थना करूंगा पूज्य दीपक अग्रवाल से। श्वासेन साकमनुलोम विलोम वृत्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुधानिजस्य पूरे गतागत जलाम्बुदिनोपमेयम् त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। बाह्यान्तरिन्द्रियगणस्वसनादिदेव ऋत्युद्भवस्थितिलयानपि जायमानान् स्थित्वा तत स्वमहसा पृथगिक्षमाणं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। मायामया कृतितमो शुभवासनानां कर्तुं निषेधमुरुधा भगवत्स्वरूपे निर्बीजसाङ्ख्यमतयोगगयुक्तिभाजं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। दिव्याकृतित्वसुमहस्त्वसुवासनानां सम्यग्विधिं प्रथयितुं चपतोरमाया सालम्बसाङ्ख्यपथयोगसुयुक्तिभाजं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। कामार्ततस्करनटव्यसनीद्विषन्त स्वस्वार्थसिद्धिमिव चेतसि नित्यमेव नारायणं परमयेव मुदा स्मरन्तं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। साध्वीचकोरशलभास्तिमिकालकण्ठ सजानन्द स्वामी महाराज की जय। सजानन्द स्वामी महाराज की जय। वचनामृत गढ़ाक प्रथम एक अखंड वृत्ति नु कंटिन्यूड कल जो पढ़ा था उससे आगे कल शायद वो था कि कौन सा साधन सबसे अति कठिन है, उसका महाराज ने उत्तर दिया था कि भगवान के स्वरूप में अपनी वृत्ति अखंड रखनी, उससे कठिन कोई साधन नहीं है। हाँ, त्यार पछी हरिभक्त शेठ गोवर्धन भाईए श्रीजी महाराज प्रत्ये प्रश्न पूछू जे जेने भगवान ने महाराज खुद प्रश्न पूछते हैं। हाँ गो नहीं गोवर्धन भाई ने पूछा नहीं। हाँ जेने भगवान नी माया कहे छे तेनु शू रूप छे, माया का क्या रूप है? हाँ
मैंने पहले भी एक बार बात करी थी, माया के ऊपर कितनी किताबें पुस्तकें लिखी गई है। माया सगुण है, निर्गुण है, ये है, वो है। जब महाराज ने दो सेंटेंस के अंदर ही स्पष्ट रूप से माया का वर्णन कर दिया कि भगवान के भगत को, भगवान के भजन करने में जो कुछ भी बीच में आ जाता है उसे माया कहते हैं। कोई चीज़ किसी को भी समझाने की बाद में ज़रूरत ही नहीं रहती। जैसे मैं कहता हूँ ना कि जिसका विज़न क्लियर नहीं हो, पहले भी मैंने यहाँ ही ये एग्ज़ाम्पल दिया था कि अगर विज़न क्लियर नहीं हो और ये बारी है, उसके में पूछूँ वो क्या है वहाँ डार्क ब्राउन कलर में, तो हम कोशिश करेंगे, पता नहीं कुछ पट्टियाँ जैसी लगी हुई है, बीच में कुछ सलिए जैसे डाली जैसी लगा देती है, यूँ डिस्क्राइब करते रहेंगे, ये बारी है, ऐसा कह नहीं पाएंगे। विज़न क्लियर होगा तो बोलेगा वो। इसी तरह ये महाराज ने माया का दो सेंटेंस के अंदर ही डेफिनेशन बता दी। जेने भगवान नी माया कहे छे तेनु शू रूप छे? हाँ। पछी श्रीजी महाराज बोलिया जी, भगवान नो भक्त होए, भगवान का भक्त हो तेने भगवान नी मूर्ति नु ध्यान करता जे पदार्थ आडू आवी ने आवरण करे, ध्यान करते समय, भजन करते समय जो भी पदार्थ, उसमें सब कुछ आता है, जड़ चैतन्य सब, वो बीच में आ जाता है, डिस्टर्ब कर जाता है या हमारी वृत्ति को वहाँ से खिसका दे। कई बार देखना हम ध्यान करते 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 कहीं और विचार में इतने खो जाएंगे और इतने दूर चले जाएंगे, फिर हम भूल जाते हैं कि हम भजन करने बैठे। हाँ, ये हर एक अपने भीतर में जाके तो ये अपनी कक्षा का ख्याल पड़ जाएगा। तेने भगवान नी मूर्ति नु ध्यान करता जे पदार्थ आडू आवीने आवरण करे, आवरण करे, हाँ, उसके पर्दा डाल दे भजन के अंदर। हाँ, तेने माया कहिए, उसे माया कहते हैं। पछी मुक्तानंद स्वामी ये प्रश्न पूछियो, ध्यान करते मैंने इसमें एक बड़ा गहरा अर्थ ये भी है। मैं कहता हूँ ध्यान का मतलब महिमा का विचार। हाँ, भगवान के भक्तों की, भगवान की, भगवान के संत की, भगवान के भक्तों की महिमा में हमें जो बीच में दरार डाल दे, आड़ी आके आवरण कर दे, हाँ, उनके अंदर मनुष्य भाव ला दे, उसके प्रति के दिव्य भाव का खंडन होवे, ऐसे जो विचार आवे वो किसी भी कारण आए हो, हाँ, उसके स्वभाव प्रकृति देख कर के आए हो या अपनी अच्छाई पेशी के कारण भी आए हो कि मैं बहुत बड़ा अकल वाला हूँ, ये लोग कुछ समझते नहीं हैं, इतना भी जो गौण भाव आ जाता है, हाँ, जैसे मैं कल बात करें कि नहीं ये तो सब भगवान के धाम की मूर्तियाँ हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना, आज कोई देवलोक से आवे चार हाथ बात लगा कर के और दर्शन देवे तो हम कितने आनंद विभोर हो जावे, उसका फिर वो सोचेंगे नहीं कि इसका ये एक हाथ तो काला है, एक हाथ तो गोरा है, इसकी एक उंगली टेढ़ी है, कुछ नहीं होगा। और भगवान के भगत में थोड़ा सा भी कोई स्वभाव में या फिजिकल भी कोई डिस्क्रिपेंसी नज़र आएगी तो तुरंत हमारा अटेंशन वहाँ चला जाता है। हाँ, पछी मुक्तानंद स्वामी ये प्रश्न पूछ्यो जे, भगवान नो भक्त
જ્યારે પંચભૂતના દેહને મૂકીને ભગવાનના ધામમાં જાય છે ત્યારે તે કેવા દેહને પામે છે? ભગવાન કા ભક્ત શરીર છોડ કે દોનો અર્થે અક્ષર અંતકાલ પે દૂસરા દેહભાવ છોડ કરકે બ્રહ્મભાવ કો જબ પાતા હૈ વો કૈસે ભાવ મેં અક્ષરધામ કો પાતે હૈ ઓર વહાં બેઠા હુઆ ઉપર જો સબસે હૈ વો નીચે હર કુછ ચીજ કો દેખ સકતા હૈ ઇસી તરહ જીવ કોટિ ઈશ્વર કોટિ ગોલો બ્રહ્મ ક્યા નામ વૈકુંઠ બદ્રિકાશ્રમ શ્વેતદ્વીપ સબ ભૂમિકાઓ કો દેખતે હૈ હા કોનસા મુક્ત કોનસી ભૂમિકા મેં ઠહેરા હુઆ હૈ વો ભી ઇનકો ખ્યાલ પડ જાતા હૈ હા રુક ગયા હૈ ઠહેરા હૈ મતલબ અટક ગયા હૈ હા ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા જે ધર્મકુળને આશ્રિત એવો જે ભગવાનનો ભક્ત છે ધર્મકુળ કે આશ્રિત યાને મહારાજ કી જો કુલ આચાર્ય મહારાજ કા જો કુલ હૈ વો તો હૈ હી ધર્મકુળ લેકિન પૂરી ગુણાતીત પરંપરા જો હૈ વો ધર્મકુળ એક તરીકે સે જો ધર્મ ભક્તિ કા સુપુત્ર જિસકો બોલા જાય મહારાજ સહજાન સ્વામી એસે સંત દ્વારા માનવ સ્વરૂપમાં ધરતી પર અખંડ રહ્યા હૈ વો કુલ કે અંદર હા તો ઉસકા જો આશ્રિત હોવે મતલબ ભગતજી મહારાજ કા જાગા સ્વામી કા આદાશ્રી કા શાસ્ત્રી મહારાજ જોગી મહારાજ કાકાજી પપ્પાજી સ્વામીજી સાહેબ વગેરે મહંત સ્વામી મહારાજ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હા વો ધર્મકુલ ધર્મકુળને આશ્રિત એવો જે ભગવાનનો ભક્ત છે તે ભગવાનની ઈચ્છાએ કરીને બ્રહ્મમય દેહને પામે છે. વો બ્રહ્મમય તનુ કો ઉસકો હર જગા પે બ્રહ્મ નજર આતા હૈ. હા અને જ્યારે દેહને મૂકીને ભગવાનના ધામ પ્રત્યે જાય છે ત્યારે કોઈક તો ગરુડ ઉપર બેસીને જાય છે અને કોઈક તો રથ ઉપર બેસીને જાય છે અને કોઈક તો વિમાન ઉપર બેસીને જાય છે. એવી રીતે ભગવાનના ભક્ત ભગવાનના ધામમાં જાય છે તેને યોગ સમાધિવાળા છે તે પ્રત્યક્ષ દેખે છે. જિસકો નાડી પ્રાણ ખીંચ કરકે સમાધિ હોતી હૈ ઇનકો યે સબ ચીજ નજર આતા હૈ ઓર જ્ઞાન સમાધિવાળા ઉસકો અખંડ દેખતા હૈ વો દિવ્યતા કા દર્શન. પછી હરિભક્ત ઠક્કર હરજીએ શ્રીજી મહારાજને પૂછ્યું જે હરજી ઠક્કર જબ તક મુજે ખ્યાલ હૈ વોરા થા મોમેડન ઇસમે કહેતે ને જાત પાત નહીં માનતે મહારાજને પહેલે સે શરૂ કર રખા થા. પછી હરિભક્ત ઠક્કર હરજીએ શ્રીજી મહારાજને પૂછ્યું જે કેટલાક તો ઘણા દિવસ સુધી સત્સંગ કરે છે તો પણ આતે હી રહેતે સત્સંગ કે અંદર કઈ નહીં બોલતે હમ તો 40 સાલ સે હૈ અગર કોઈ કિસી કો કુછ બાત સમજાને ભી જાયેગા કે ભાઈ તું કબ આયા સત્સંગ મેં હમ 40 સાલ સે યહાં હૈ હમે પતા હૈ યહાં ક્યા ચલ રહા હૈ દેખો તો યહાં બેઠ કે યહી ધંધે કરે હા કેટલાક તો ઘણા દિવસ સુધી સત્સંગ કરે છે તો પણ તેને જેવી પોતાના દેહ અને દેહના સંબંધીને વિશે ગાઢ પ્રીતિ છે તેવી સત્સંગમાં ગાઢ પ્રીતિ નથી થતી. યે બહોત બડી ચીજ હૈ હમ બોલતે હૈ લેકિન હર એક ભીતર મેં કે સચ મેં હમે અપને દેહ કે સંબંધી કે પ્રતિ જો પ્રીતિ હૈ ઉસ કક્ષા કી પ્રીતિ ભક્તો કે લિયે હૈ મુશ્કિલ સે એસા તો એક દો જના મિલેગા.
जैसे मैंने एक बार भी एग्जांपल दिया था, मानो ये अभिषेक है, विश्वास है, क्या बच्चा दावे से कह पाएगा कि प्रायोरिटी मुझे विश्वास की है, अभिषेक की नहीं है? ये तो बच्चराज का तो अपना है, नाम दे के बताया, लेकिन हर एक देख ले, वह बड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन करना वही है। भगवान के भक्तों को अपने देह से संबंधी उसे ज़्यादा गिनना है। ऐसी प्रीति नहीं होती, उसकी वजह क्या है? बाकी तो महाराज ने जैसे बताया कि ऐसी प्रीति हो सकती है कि जहाँ हमें प्रायोरिटी अपने संबंधियों से अपेक्षा भक्तों की होवे। हाँ, घना दिवस सुधी सत्संग करें, काफ़ी टाइम से सत्संग करते हैं। તેને જેવી પોતાના દેહ અને દેહના સંબંધીને વિશે ગાઢ પ્રીતિ છે તેવી સત્સંગમાં ગાઢ પ્રીતિ નથી તેનું શું કારણ છે? ઉસકી વજહ ક્યા હૈ? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા જે એને ભગવાનનું મહાત્મ્ય સંપૂર્ણ જાણ્યામાં આવ્યું નથી। મહાત્મ્ય પૂર્ણ રૂપે જાણ્યામાં આયા નહીં હૈ। वो महात्म्य का कि भाई ये अक्षरधाम का है, ऐसे दिव्य है, इससे ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है, इससे ऊपर कोई व्यक्तित्व नहीं है, हाँ, इसके ऊपर कुछ जानने लायक चीज़ नहीं है। हाँ, बाकी सब अज्ञान में जीते हैं। हाँ, इन्हें भगवान नु महात्म्य संपूर्ण जाण्या मां आव्यु नथी। અને જે સાધુને સંગે કરીને એવું જાન, જે સાધુ કે સંગત સે વો જાન સકતે હૈ, હા, અને જે સાધુને સંગે કરીને ભગવાનનું મહાત્મ્ય પરિપૂર્ણ જાણ્યામાં આવે છે તે સાધુ જ્યારે પોતાના સ્વભાવ ઉપર વાત કરે છે, વો સાધુ જબ હમે અપને સ્વભાવ કે ઉપર हठ, मान, ईर्ष्या, ये तीन स्वभाव मेन हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उसके ऊपर खंडन करें तो चोट लग जाती है और साधु से फासला बन जाता है। मैंने पहले तीन ऐसे एग्जाम्पल दिए थे, अलैया खाचर मान के कारण, हाँ, महाराज के समय के, कितनी सेवा तो कितनी खाई थी, करी थी, और महाराज भी उस पर कितने प्रसन्न थे कि कितनी शक्कर की प्रसादी वो खा गया था, ऐसा लिखा। तो महाराज ने उसके मान का खंडन करा, तब चला गया। फिर महाराज ने पटा के फुसला के फिर प्रशंसा भी करी, आदर, भाई अलैया ते अलैया, अलैया तो खुश कर दिया, तब कुछ सेटल हुआ। ऐसा ही हट, अरे हट के कारण मछियाओं की फैबा, देखो महाराज इसको फैबा कहवे, हाँ, कितना बड़प्पन दिया, पर महाराज की बात मान नहीं पाई। हाँ, कहा भाई उसकी कुछ अपनी बहू के साथ अनबन हुई थी, बहू ने कितनी भी माफ़ी मांगी, टस से मस नहीं। बहू आखिर महाराज के पास गई, इनको ऐसा था कि महाराज कहेंगे, महाराज के कहने पे वो मान जाएगी। महाराज ने कहा मैं आता हूँ, वो मान जाएगी, महाराज को भरोसा था। हाँ, कहते हैं ना 32 बार महाराज उसके यहाँ सब संतों के साथ गए थे, पधार रसोई खाई थी, वहाँ ठहरे थे, वो महाराज गए,
उसे बात करी, महाराज ने उसे महाराज को भी कह दिया, महाराज इसके सिवा आप जो भी कहो मैं तैयार हूँ, आप प्रभु हो मेरे, लेकिन ये बात मैं नहीं मानूंगी, इसके साथ तो मेरी अब बन ही नहीं सकती। महाराज भी ताजुब हो गए, खूब समझाई खूब समझाई। सब खाने की, उसके यहाँ खाना तो बनना ही था, खाने की पंगत भी बैठ गई थी। सभी संतों ने पंगत में वो पत्थर अपना रख दिया था, गुणायतान स्वामी ने अपना पत्थर उल्टा ही रखा था कि यहाँ ये बात बनने वाली है नहीं। और महाराज तो, महाराज को हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, महाराज को दुश्मनी है हमारे स्वभाव के कारण, जो हमारे प्रभु के साथ के संबंध में बीच में आड़े आ जाते हैं। महाराज ने कहा अगर आप मेरी ये बात नहीं मानोगे तो हम आज खाना नहीं खाएंगे। इसने भी कह दिया कि प्रभु आप मालिक हो, हम आपको कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं। बोलने में लेडीज बड़ी श्यानी होती है, मैं अड़ियल हूँ नहीं कहेगी। महाराज कहें चलो संतो उठो, चले गए, पर वो बदली नहीं। महाराज ने उस समय कह दिया कि आज से ये मछियाओ गांव का पानी हराम है। कहते हैं वहाँ कोई सत्संग हुआ ही नहीं। फिर अभी रिसेंटली, या हरिप्रसाद स्वामी कह दो या प्रमुख साईं महाराज ने वहाँ जाके सत्संग की शुरुआत कराई है। ऐसे अपने जीवन में घटना कभी ना बने कि महाराज या संत हमसे इतने नाखुश हो जाए, इतने अड़ ना जाए। जे साधु ने संगे करीने भगवान नु महात्म्य परिपूर्ण जाण्या मा आवे छे, ते साधु जारे पोताना स्वभाव ऊपर वात करे छे त्यारे ते स्वभाव ने मुकी शकतो नथी। स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है। स्वभाव, स्व का भाव है, उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्व का भाव ही छूट गया गिर जाएंगे, इस पे तो हमारा सारा मदार टिका हुआ है। पर भगवान अगर अतिशय प्यारे हो तो स्वभाव छोड़ देंगे, भगवान हमें गिरने नहीं देंगे, ये भरोसा हमें रखना पड़े। मुझे भी समझते हैं आप यहाँ बैठे हो, हाँ सत्संग तो ऐसे ही बातें करते रहेंगे, लेकिन अपना सत्संग जीने का सत्संग है। जिएंगे तो ख्याल पड़ेंगे कि हो अपनापन छोड़ के साधु की तरफ नज़र रख करके जिएंगे तो हम जो चाहते हैं उससे कई गुना अधिक और कई गुना अच्छी तरह हमारे जीवन का कारोबार वो हैंडल कर लेते हैं। हमने कभी सोचा भी ना हो ऐसा। त्यारे ते स्वभाव ने मुकी शकतो नथी अने ते वातना करनारा जे साधु तेनो अवगुण ले छे। साधु का अवगुण लेता है, ये तो बस हमसे ये निकलवाने के लिए। साधु ऐसी मीठी मीठी बातें कर जाते हैं, हाँ ये डांटेंगे भी तभी कहेंगे इनमें तो कोई सेंस ही नहीं है, कहना था तो मैं अकेले में कहना था। हाँ ते पापे करीने सत्संग में गाढ़ प्रीति थाती नहीं, इसीलिए सत्संग के प्रति गाढ़ प्रीति नहीं होती, जवार भाटे आते रहते हैं। कभी खुश, कौन सा गाना है ना, गाओ दो लाइन गाओ, भजन की नहीं, नहीं।
तुम्हें तैयार रहना चाहिए यार, कौन से समय कौन सी गाना एकदम आ जाए। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया, तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, ये है मेरे करम, कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम। बस इसकी खुशी या गम उसके साथ हमारी प्रीति में कम ना हो तो हमारा ऐक्य हो जाएगा, कभी जुदा नहीं होंगे, हाँ प्रभु वरणीय बन जाएंगे। हाँ काका जी पप्पा जी संस्था से विमुख करें, उससे पहले भी कितनी परिस्थितियों में से गुजारे, लेकिन बापा के प्रति के दिव्य भाव निर्दोष बुद्धि कभी फर्क पड़ा नहीं, वो ही महिमा गान। हाँ विमुख किए उस दिन भी चलो के विमुख नारायण की जय, दूतपाक की रसोई करो। हाँ है इतनी इतनी सेवा करी, हमारा सत्संग के अंदर इतना इंसल्ट किया, वो सपने में भी कभी कभी बोले ही नहीं। हाँ जबकि हम लोगों को कभी कहीं इधर उधर मन भटक जाता कि बापा ऐसा क्यों किया, काका जी को ऐसा क्यों किया, पप्पा जी के लिए ऐसा क्यों किया, महिमा भर 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 के हमारा स्टेबल कर दिए। हाँ તેવાતના કરનારા જે સાધુ તેનો અવગુણ લે છે તે પાપે કરીને સત્સંગમાં ગાઢ પ્રીતિ થાતી શબ્દ યુઝ કરાયો ધ્યાન રખ હા કિતને પાપ હે હા ઓર હમ દિન ભર કે અંદર સત્સંગ મે રહેતે હુએ યે કિતના પાપ કરતે રહેતે હા મેને સબ યે વચનામ જબ પઢા થા મે મહારાજ ને બેશક મે કઈ કઈ બાર કહેતા હુ કે સારા वचनामृत के मुताबिक अब जीवन जीना है, वो मुझे ख्याल आया 1986 के बाद। पहले समझे हुए थे, पर ये भी महाराज के एक आशीर्वाद है कि बुद्धि में अगर निश्चय हुआ तो वो जीव में हो चुका है, इसलिए कभी ना कभी कभी बुद्धि इसको इसी रास्ते ज़रूर आगे ले जाएगी। तो ये प्रीति के भाई भगवान के भक्त हैं, इनके अभाव इनके चरित्र को देखने ही नहीं, दिव्य है। हाँ ते पापे करीने सत्संग मां गाढ़ प्रीति थाती नथी, इसका पाप बोल दिया, ये पाप है, ये हम कितना रोज करते होंगे, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। कई बार तो हम इतनी गलती करते हैं, पाप हम अपने अंदर तो होता है दूसरों में भी भरते हैं, देखा तुमने आज 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 तुमने देखा था, यूं करके हम पाप के, और इसी कारण सत्संग के प्रति हमें गाढ़ प्रीति नहीं होती। हाँ ये किसने अभी पुनीत की बात किसने करी, ओपी ने, वो ये पाप नहीं करता, बाकी दिमाग वाला है, ऐसा नहीं कि बुद्धू है। आप मानते होंगे क्या पंजाब से हैं, ऐसा नहीं है, पर तय कर रखा है कि ये काम नहीं करना है। ते पापे करीने सत्संग मां गाढ़ प्रीति थाती नथी, उसके कारण सत्संग के अंदर गाढ़ प्रीति होती नहीं है। कहाँ जी અન્ય સ્થળને વિશે જે પાપ કર્યા હોય તે સંતને સંગે કરીને જાય, અને સંતને વિશે જે પાપ કરે છે તે પાપ તો એક વજ્રલે ફો જાતા હૈ, સંતના અનુગ્રહ વિના બીજા કોઈ સાધને કરીને ટળતા હૈ। સંત કિતને દયાલુ હૈ, કે કિતના હી પાપ કરા હો, સંત કો એક તરીકે સે તીર્થ કી ભી स्टेटस दे दी। हाँ जीता जागता जीवन तीर्थ है, हाँ
उसमें डुबकी लगा लो, उनके खो जाओ, उसकी आज्ञा पालो, उसकी शरण में चले जाओ, उसके पास निष्कपट हो जाओ, उसकी माफ़ी मांग लो। हाँ, जाओ आज तक का सब माफ़। काका जी कितना सारी जिंदगी ये आखिर तक हमें माफ़ करते ही रहे। नहीं, एक भजन में तुम माफ़ करते रहे, क्या लाइन है? आज तक का सब माफ़ कह कर माफ़ करते रहे आप हर बार। काका जी जो हमें अपनाते नहीं तो मिलता नहीं हमको ऐसा दिव्य परिवार। ये ओपी आए थे तभी ये भजन बनाया था, देखो इटर्नल बन गया। परछाई दीदी वापस आए थे तब बना था ये, उससे पहले ओपी वाले पे बना था, बाद में परछाई दीदी ऑपरेशन करा के वापस जब आए थे ना उस दिन। हाँ चलो, કાંજે અન્ય સ્થળને વિશે જે પાપ કર્યા હોય તે સંતને સંગે કરીને જાય, અને સંતને વિશે જે પાપ કરે છે તીર્થમાં બેઠ કે અહીં અમને ગડબડી કરી, હા તે પાપ તો એક સંતના અનુગ્રહ વિના બીજા કોઈ સાધને કરીને, સંત કરુણા કર દે જે જીવ જીવ હે, લેટ bygone be bygone and forgive him, and sadhu isse bhi zyada he forgets. Bapu ne bahut achhi ek baar ye baat kahi, forgive karna aasan hai and forget karna bada mushkil ho jata hai, yaad to rehta hi hai kya, par jo akhand bhagwan ki murti mein magan ho usko wo yaad nahi rahega, aur wahan hum sabko pahunchna hai. તે પાપ તો એક સંતના અનુગ્રહ વિના બીજા કોઈ સાધને કરીને ટળતા નથી. હા, કિતના ભી ફિર અપને આપ પ્રાયશ્ચિત કરો, તીર્થાટન કરકે આવો, યજ્ઞ કરો, અપને આપ કિતની મહાપૂજા કરાવો, સાધુ કે કહેને પે કરા દો બરાબર. હા, સાધુ કહે દે ભાઈ ચલો કાકાજી કી ઇતની પરિક્રમા કર લો, આજ મારા સ્વામીજી કે પાસ કોઈ વાત કહે દેતે હૈ કઈ વાત, કાકાજી કી ઇતની પરિક્રમા વહાં કર લેના સમાધિ કી, વો સારા ફટ સે કોણ સા નહીં, એસા નહીં બોલોગે, ઇતની જોર સે નહીં બોલોગે, ફટ સે ડિઝોલ્વ હો જાતા હૈ, માફ હો જાતા હૈ, ઓર તબ ભી લેકિન દેખનો માફ કહે દેંગે તબ ભી અપના મન હમ તો એસે હી હૈ ऐसे ही है, वो भरोसा क्यों है नहीं है, क्यों बीच में अपना माइंड आ जाता है, माइंड अपने को क्या मुसीबत कर देता है, संत को हम बड़े मानते हैं लेकिन अपने जैसे ही मानते हैं, हमसे थोड़े अधिक हैं, पर ये एब्सोल्युटली डिफरेंट योनी है, ब्रह्म योनी अलग है, માનવ યોની અલગ હૈ, પશુ યોની અલગ હૈ, જૈસે પશુ ઓર માનવ મેં જીતના ફરક હૈ ઇતના માનવ ઓર સંત મેં ફરક હૈ. તે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે જે અન્ય ક્ષેત્રે કૃતમ પાપમ તીર્થ ક્ષેત્રે વિનશ્યતિ, તીર્થ ક્ષેત્રે કૃતમ પાપમ વજ્રલેપો ભવિષ્યતિ. વજ્રલેપ પથ્થર કે ઉપર લકીર કરી વૈસા બન જતા હૈ, ફિર તો ઇસકો પૂરા ડિઝોલ્વ કરાઓ, રગડ લો, ચૂર ચૂર કર દો, તભી નિકલ સકતા હૈ. હા, તે માટે સંતનો અવગુણ જો ન લે તો એને સત્સંગમાં દ્રઢ પ્રીતિ થાય. તો હમે બસ એક હી રખના હૈ ભજન, ડેલી સુબહ એક કરના હૈ કે હે મહારાજ, હે સ્વામી, કાકાજી, પપ્પાજી, સ્વામીજી જૈસે સંત કે સાથ
साहब के साथ जो हमें प्रीति हुई है उसमें दरार ना पड़ जाए, इतनी हमारी रक्षा करना। सहजान स्वामी महाराज की जय।